हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोरियस एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सम प्रोडक्ट का फार्मूला। जी हां फ्रेंड्स, सम प्रोडक्ट का फार्मूला एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक टेबल है जिसमें तीन कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में कुछ आइटम्स के नेम दिए हुए हैं, सेकेंड कॉलम में इनकी क्वांटिटी है, थर्ड कॉलम में इनका प्राइस है। तो फर्स्ट आइटम है कैप, इसकी क्वांटिटी है 5 और एक कैप का प्राइस है 100। इसी तरीके से टी शर्ट की क्वांटिटी है 2 और इसका एक टी शर्ट का प्राइस है 150 और शर्ट की क्वांटिटी है 3 और एक शर्ट का प्राइस है 200। यहाँ पर एक सेल खाली है, यहाँ पर हमें टोटल सेल्स वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रेंड्स, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला बेसिकली दो फॉर्मूले से मिलकर बना है। ये दो फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर दो फॉर्मूले एक साथ वर्क करते हैं, प्रोडक्ट और सम। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सम का मतलब होता है प्लस। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का फार्मूला काम करेगा, इसके बाद सम का फार्मूला काम करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला पुट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके बताऊँगा। इसके लिए आपको इक्वल टाइप करना है, फिर लिखना है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट और क्वांटिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको कॉमा देना है। इसके बाद आपको सबके प्राइस को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसके बाद एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टोटल सेल्स वैल्यू निकल चुका है 1400। अब ये किस तरीके से ये टोटल सेल्स वैल्यू आया और सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोडक्ट, ओके, हमने इसे सेलेक्ट किया और कोमा दिया और इसको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। यहां पर हमने इसे ड्रैग कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल एस यू एम सम, और इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर। तो देख सकते हैं सेम आंसर निकला 1400। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर रहा था, उसके बाद इसने सम किया। तो मल्टीप्लाई कैसे किया, 5 को 100 से किया 500, 2 को 150 से किया 300, 3 को 200 से किया मल्टीप्लाई तो 600, और फिर जो वैल्यू निकली इनका इसने टोटल किया। टोटल करने के बाद हमारे पास 1400 आंसर आ गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर। तो एक साथ दो फॉर्मूले काम करते हैं सम प्रोडक्ट में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।